हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एनलाइटेड एकेडमी के चैनल पे। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीपीएससी। जैसा मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बीपीएससी की इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन तैयारी कराने जा रहा हूं। सो जैसा आप सभी जानते हैं कि जस्ट अभी 64th जो हमारे बीपीएससी की 64th कॉम्बाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हुए थे 16th of December 2018 को, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 24th of February 2019 को। टोटल बीपीएससी के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि 295,444 बच्चों ने अपीयर किया था प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन, एंड आउट ऑफ दिस मच टोटल 119,109 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो इट्स बहुत ही क्रूशियल हो जाती है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनके लिए पटना में और भी बिहार के बहुत जगहों पे प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको बहुत ही डिफिकल्टीज ऐसी फेस की जाती है, ऐसा मेरा मानना है। सो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश मीडियम में जितना भी बीपीएससी के उन सभी कैंडिडेट्स, उन सभी एस्पिरेंट्स और अभ्यर्थी, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी की प्रिपरेशन मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। सो फाइनली आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे ये डिस्कस करूँगा कि बीपीएससी की जो मेंस, अभी जो 64th बीपीएससी कॉम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मेंस का सिलेबस है जो उन्होंने दिया, क्योंकि ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि 65th जो बीपीएससी की एग्ज़ाम होगी उसमें पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, और ये भी एक डिफ़िकल्टी वाली भी बात होगी क्योंकि पूरी बीपीएससी की जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 64th एग्ज़ामिनेशन की जो ऑफिशियल बीपीएससी की सिलेबस हमें जो प्रोवाइड की गई है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जो 64th का मेंस एग्जामिनेशन होगा ऐसा माना जा रहा है कि जनरल इलेक्शन जो 17th लोकसभा जनरल इलेक्शन है इसके बाद ही हमारा मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी भी बच्चों के पास एटलीस्ट 2 मंथ्स के आसपास और 3 मंथ्स के आसपास वक्त है जो बच्चे को थोड़ी सी गाइडलाइन और थोड़ी सी प्रिपरेशन में टाइम है कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो मैं बस स्ट्रिक्ट करूँगा फिलहाल के लिए, जब 65th का नोटिफिकेशन या उसके रिगार्डिंग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगा तो फिर मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैं आपको उसकी भी जानकारी अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं 64th बीपीएससी की जो कॉम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी सिलेबस पर मैं बात करूँगा। सो बेसिकली मेन्स एग्जामिनेशन जो बीपीएससी की मेन्स एग्जामिनेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसमें आपको टोटल 4 पेपर लिए जाएंगे। सो फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा जनरल हिंदी, जिसे हम सामान्य हिंदी बोलते हैं। सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 3 घंटों का कंडक्ट किया जाएगा और उसकी टोटल मार्क्स जो होगी वो है 100 मार्क्स, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। नाउ पॉइंट ये है, इस बात से क्लैरिटी दो चीज़ आनी चाहिए, एक कि अगर आप बीपीएससी मेंस के लिए अपीयर हो रहे हो, इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हो आप, हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि इस फर्स्ट पेपर में जनरल हिंदी में हर स्टूडेंट को मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 30 मार्क्स बच्चे को स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर वो 30 मार्क्स स्कोर करते हैं तभी जा करके उनके बाकी के पेपर्स इवैल्यूएट होंगे, और अगर बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी के पेपर उनके चेक नहीं होंगे। एक बात ये भी है यहाँ पे कि इसमें जितने भी मार्क्स आप स्कोर करोगे 30 से ऊपर, ये मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में नहीं ऐड होंगे, ये बस क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। नाउ जो सेकंड पेपर है जिसे हम जीएस बोलते हैं, तो जीएस में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं,
यूपीएससी की तरह नहीं है, यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर होते हैं, बट यहाँ पे बीपीएससी है। होपफुली नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट जो 65th कम्बाइंड होगा एग्जामिनेशन, तो मे बी वहाँ पे 4 ऑप्शनल आपको देखने को मिले, बट राइट नाउ फिलहाल आपके पास सिर्फ 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, GS1 एंड GS2। GS1 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। GS2 भी 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स के कंडक्ट किए जाएंगे। पॉइंट ये है कि ये दोनों पेपर के मार्क्स जो है आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होंगे, करेक्ट। GS1 GS2 पेपर के साथ आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करने का ऑप्शन है आपके पास, कि आप अपने इच्छा से एक ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। वो पेपर भी 3 घंटे का होगा और उसकी भी टोटल मार्क्स 300 मार्क्स होगी। बीपीएससी के अकॉर्डिंगली टोटल 37 सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उन्होंने ऑप्शनल, जिसमें से आपको उन 37 में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। नाउ ये 4 पेपर हिंदी हो गए, 2 जनरल स्टडीज, 1 ऑप्शनल पेपर। जनरल हिंदी को छोड़ करके जो बाकी 3 पेपर है, इसके आंसर्स जो आप लिखोगे वो आंसर्स आप 3 लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। और इन 3 लैंग्वेज के अलावा आपको किसी भी लैंग्वेज में इस पेपर को अटेम्प्ट करने का राइट नहीं है। नाउ फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स, वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपके पास ये अधिकार है कि आप कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हो और आप कैलकुलेटर का यूज़ मेंस के एग्जामिनेशन में कर सकते हो। सो फाइनली इतना ही इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पेपर 2 एंड ऑप्शनल्स के रिगार्डिंग जितनी भी उसके अंदर में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसकी डिटेल्स कि जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ये सारी बातें उसके सब्सिक्वेंट वीडियोज़ जो भी आएंगे, आपको पेपर को कैसे टैकल करना है और कितने जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको कैसे समझना है, उनको कैसे लिखना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे एनलाइटेंड एकेडमी की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।